Hello everybody, welcome to Flight Pro and you're watching Microsoft Flight Simulator. Today we are going from Delhi to Frankfurt as requested a video. I will let you know about the requested video. But मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा. ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये NH8 है और यहाँ पर एक पैरेलल रनवे आ रहा है. सो जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, ये रनवे 29 है टर्मिनल 3 का और यहाँ एक पैरेलल रनवे बन रहा है इसके पैरेलल यहाँ से लेके यहाँ तक. और इस ये जगह ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट होने ही वाली है, इस साल के एंड तक हो जाएगी ये कंप्लीट. और यहाँ से एक टैक्सी वे रनवे 28 के लिए कनेक्ट करने की कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर. तो यहाँ से आपकी जो गाड़ियाँ जाएंगी टर्मिनल 3 के लिए या टर्मिनल 2 के लिए, आप देख पाएंगे एयरक्राफ्ट्स को अपनी गाड़ियों के ऊपर से. यहाँ पर काफ़ी हैवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस टाइम पर दोनों रनवेज को कनेक्ट करने के लिए. इस तरफ से तो कनेक्टेड हैं, इस तरफ से इसको कनेक्ट करने के लिए हैवी कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है. और एक रनवे यहाँ पैरेलल रनवे और बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर. सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यू रनवे. इंडिया में आई थिंक फर्स्ट एयरपोर्ट होगा जहाँ पर 4 रनवेज होंगे और काफ़ी बिजी होने वाला है ये एयरपोर्ट. और अच्छा भी है, हमारे देश में जो कंस्ट्रक्शन चल रही हैं न्यू रनवेज की, इससे पता लगता है कि ट्रैफिक और बढ़ने वाला है फ्यूचर में. और ये रहे हम यहाँ पर खड़े हैं गेट 205 पर और हम टेक ऑफ करेंगे रनवे 10 से यहाँ से, क्योंकि रनवे 10 और 11 इस टाइम पर एक्टिव है एज पर आवर वैटसिम. यहाँ लिखा है रनवे 9 रनवे 10 एंड 11 आर ऑन एक्टिव मोड डिपार्चर रनवे 10 एंड 11 ATIS इंफॉर्मेशन अल्फा. कनेक्ट करेंगे अप्रोच, उसके बाद क्लियरेंस रिक्वेस्ट लेंगे. चलते हैं अभी कैबिन में. ऑलराइट, जेटवे इज गेटिंग कनेक्टेड. इसमें थोड़ा सा ग्लिच है, बार बार पीछे चले जाता है, बार बार आगे आ जाता है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर दैट. आवर बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड और आज हमारी जो जर्नी रहेगी यहाँ से जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी. और हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो है विस्तारा का ड्रीमलाइनर, विस्तारा का वन एंड ओनली ड्रीमलाइनर VTTSD. इसका जो एयरक्राफ्ट का साइन है VTTSD, वन एंड ओनली ड्रीमलाइनर. यहाँ से बीच में से कुछ गायब होता हुआ दिख रहा था यहाँ पर, बट ये अभी फिर से जुड़ गया है. होपफुली जुड़ा ही रहेगा जब तक हमारी बोर्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती. टोटल 390 पैसेंजर्स जा रहे हैं हमारे साथ और यहाँ से आपको जंप करके जाना होगा. थोड़ा सा अगर मैं जूम इन करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा. ओके, सो 390 पैसेंजर्स आज हमारे साथ जा रहे हैं. गेट नंबर 205 पे हम खड़े हैं और कॉल साइन है हमारा विस्तारा 2525. ये रियल वर्ल्ड कॉल साइन भी है. यू कैन चेक आउट अबाउट दिस ड्रीमलाइनर 787-9. ये वाला डैश 10 है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में डैश 10 है, डैश 9 नहीं है. सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन. बोर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड और मैंने फ्लाइट प्लान लोड कर लिया है, बैगेज एंड कार्गो. Alright, baggage and catering load हो रही है यहाँ पर. catering और 75% हमारे tanks full हो चुके हैं. 75% हम fuel लेके जा रहे हैं. I'll just show you the fuel. काफ़ी लंबी journey है, 8 घंटा 10 मिनट की journey रहेगी ये हमारी. और मैं आपको flight plan दिखा देता हूँ. ये देखिए, ये दिल्ली से हम डिपार्चर लेंगे और
सुरम 5C डिपार्चर रहेगा हमारा, सुरम 5C। उसके बाद हम जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर से, पाकिस्तान का एयर स्पेस लेंगे और हम जाएंगे वाया दुबई। हम अबव अफगानिस्तान भी जा सकते थे एज अ नॉर्मल फ्लाइट प्लान, बट अफगानिस्तान एयर स्पेस इज़ क्लोज नाउ। तो सिमब्रीफ से जो मैंने डाउनलोड किया है फ्लाइट प्लान, उसमें भी अपडेटेड फ्लाइट प्लान में भी अबव अफगानिस्तान कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही है। सो वी आर गोइंग टू फ्लाई फ्रॉम वाया दुबई, उसके बाद इस तरफ से होते हुए सऊदी अरेबिया की तरफ से होते हुए दोहा, एंड देन दोहा के बाद फिर ये आई थिंक इटली है, ये ग्रीस के ऊपर से होते हुए उसके बाद हम फ्रैंकफर्ट जाएंगे विच इज़ इन जर्मनी। दिस इज़ अनदर इंटरनेशनल फ्लाइट वी आर डूइंग, द फर्स्ट फ्लाइट टू जर्मनी। आई नो पीपल आर रिक्वेस्टिंग विद एयर इंडिया, रिक्वेस्टिंग विद लुफ्थांसा, बट हम जाएंगे विस्तारा से इस बार। नेक्स्ट फ्लाइट जो हमारी रहेगी म्यूनिक, कोशिश करूँगा मैं म्यूनिक फ्लाई करने का मुंबई से। और म्यूनिक जब हम फ्लाई करेंगे तो हम जाएंगे लुफ्थांसा से या फिर एयर इंडिया से, आई हैव टू लुक फॉर दैट। बट हियर वी आर, बहुत लंबे वे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे वे पॉइंट्स डाले, मुझे आधा पौना घंटा लग गया वे पॉइंट्स डालने में। और उसके बाद अब फ्लाई करेंगे 8 घंटे के लिए। अभी लेटेस्ट बादल हैं यहाँ पर काफ़ी, दिल्ली में काफ़ी बारिश हो रही है कुछ दिनों से, और वही लाइव वेदर मैंने रखा है, अनरियल वेदर। और अनरियल वेदर सितंबर 12, 12:08 हुए हैं, लाइव वेदर लाइव टाइम चल रहा है, और थोड़ी थोड़ी धूप भी आने लगी अब। Welcome aboard Vistara. The safety equipment on this aircraft may differ from that of other aircraft. Please give us your attention as we take you through this important safety briefing, and it will show you how to relax too. Breathe in deeply. Straighten your posture. Bring your seat to its upright position. Please ensure that your tray table is closed during taxi, takeoff and landing. Now slowly breathe out. This feels good. You can fasten your seat belt by inserting the metal tip into the buckle. Adjust it to your comfort. If you are seated in business class, pull the additional shoulder strap to fasten your seat belt. To unfasten your seat belt, lift the metal flap like this. This aircraft has 8 emergency exits. All exits have evacuation slides that may be used as rafts in case of an emergency. In the event of an emergency landing or when you hear the command brace, brace, assume your brace position. The emergency path markings on the floor will guide you to the nearest exit. Look for the nearest exit as it may be behind you. In case there is a loss in cabin pressure, oxygen masks will drop from the panel above you. Place it like this and breathe normally. Make sure your own mask is placed correctly before assisting others. A life vest is located under or next to your seat. In case we land on water, you can slip it over your head and adjust it like this. Pull the red tag to inflate the vest. If it fails to inflate, blow into the tube like this. Inflate the life vest only at the exit. You can store your luggage in the overhead bin or under the seat in front of you.
All large electronic devices such as laptops must be stored for taxi, takeoff and landing. We remind you that this is a no-smoking flight. Charging and using of e-cigarettes is also prohibited throughout the aircraft, including the lavatories. I checked. You can resist the urge by stretching a little. Bring your arms like this, lock them, and count to five. Now release gently. Not on this aircraft. Electronic devices such as mobile phones and tablets must be switched off or set to airplane mode during taxi, takeoff and landing. Even charging your electronic devices is not allowed. Call the crew for assistance should your electronic device get overheated, damaged or drop into the gap between the seats. This final asan will relax your spine and help you enjoy the flight. For further information, refer to the safety instruction card kept in your seat pocket. Kindly contact your cabin crew for any assistance. On behalf of Vistara, we wish you a relaxing flight on India's best airline. Hello, departure. This is Vistara 25 Dreamliner standing at gate 205 with information Alpha requesting IFR clearance to Frankfurt. Vistara 135, roger. Vistara 25, clear to Frankfurt via Serum 5, echo departure, runway 10. This is climb flight level 70, and it's Cork 0522. Departure via Serum 5E, maintain flight level 70, squawk 0522, Vistara 25. Vistara 25, read back correct departure for pushback and start. QNH is 1003. QNH 1003, we'll contact once we are ready for pushback, Vistara 25. So, we have taken the IFR clearance via Serum 5E departure. So I just need to tell you, Serum 5E departure is what we have filed. यहाँ पे हमने जो file किया है departure. Route पे click, legs पे click करता हूँ मैं. यहाँ पर आपको Serum 5E departure रहेगा हमारा. Departure मैंने ये देखिए, Serum 5E departure, runway 10. Alright, pre-start checklist हमारी हो चुकी थी. Before startup checklist करेंगे हम. Seatbelt sign is on. Fuel quantity is checked. Fuel quantity मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर. Fuel हम 75% लेके जा रहे हैं. Total fuel 167.8 tons. उसके बाद है auto brake set to RTO. Auto brake set कर दिया हमने RTO पर. और your damper is on, fly-by-wire setting is checked, hydraulic pumps अभी on करेंगे. As I said, थोड़ा सा glitch है इसमें, APU बंद हो जाता है flight fuel pump on करते ही. So I'm gonna wait for this. AC pack 1 and 2 ये तो चलते ही नहीं है, so ignore that. Equipment cooling on, fuel pumps करेंगे on कुछ ही देर में. We are going to start our pushback. And now I will welcome to our special guest who has requested this video, Nitina. I welcome her. And along with all of you, we are having three cabins, economy, premium economy and business class. Our special guest is sitting in business class along with you all guys. So this is how it looks for Vistara's Dreamliners business class. So you can have a look. This is how business class looks. This is how premium economy look, and this is how economy looks like in Vistara Dreamliner. Hum runway 10 se depart karne ke baad, jaise hi main aapko flight plan dikha deta hu yahan par, ye dekhiye, legs pe click kiya aur thoda sa range
ये 10 की रेंज में है। हम यहाँ से डिपार्ट करने के बाद टर्न लेंगे राइट, ऑलमोस्ट यू टर्न लेके हम जाएंगे यू एक्स ए बी ए से DP414, DP414 के बाद सुरम, जो जो कि अभी आपने सुना होगा सुरम 5E डिपार्चर। सो सुरम 5E डिपार्चर रहेगा हमारा, एंड देन एज फाइल्ड। उसके बाद हम आगे की कहानी आपको बाद में बताएंगे। सो फ्लाइट लेवल 420 रहेगा, 42,000 फीट तक जाएंगे हम। ऑलराइट, बिफोर स्टार्टअप चेकलिस्ट इज कंप्लीट, इंजन स्टार्टअप चेकलिस्ट करेंगे, पुश बैक के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने स्पीड लगाई हुई है 250 नॉट्स, ऑल्टीट्यूड सेट है 7,000, परफेक्ट। सो दिस इज ऑल सेट, कॉकपिट टू ग्राउंड, कॉकपिट टू ग्राउंड, गो अहेड, वी आर क्लियर्ड फॉर स्टार्ट एंड पुश, पार्किंग ब्रेक सेट, ओके, क्लियर्ड फॉर पुश स्टार्ट, प्लीज रिलीज पार्किंग ब्रेक। नाउ वी विल रिलीज पार्किंग ब्रेक। ओह, दिस इज द स्टेप और दिस इज द प्रोसेस, नाइस। पार्किंग ब्रेक्स आर रिलीज्ड, आई डिडंट न्यू दैट। ओके, कमेंसिंग पुश बैक, यू कैन स्टार्ट द इंजंस इन सीक्वेंस, इट विल स्टार्ट इन द सीक्वेंस। Great, we will start engines with the sequence, but usse pehle let's push back. Ground, you may disconnect. Okay, sir, clear to disconnect. At the side. Have a good flight. Holding position, waiting for the visual. Thank you and goodbye. Now, we are going to start our engines. Left engine. Right engine. Right. Fuel pumps. जब तक दोनों इंजन्स स्टार्ट हो रहे हैं हम बाकी की चेकलिस्ट करेंगे। फ्लैप्स करेंगे डाउन, फ्लैप्स 15 करेंगे हम, बिकॉज फ्लैप्स 15 रहेगा हमारा डिपार्चर, फ्लैप्स 15 डिपार्चर रहेगा हमारा। और Alright, now I would request our cabin crew to please prepare for takeoff as we are heading towards the runway. ATC mein koi hai nahi hai, so I'm gonna say cleared for takeoff, runway 10, Vistara 25. Alright, this is runway 10, runway 10. ये रिजेक्टेड टेक ऑफ बार बार ऑफ मोड पे हो जाता है, ये पहले दिन से प्रॉब्लम है इसमें। सो गाइज, इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग नाउ एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। आपको नोटिफिकेशंस आएंगे अगली जितनी भी आने वाली फ्लाइट्स हैं उनके बारे में। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी कंप्लीटिंग 1,000 सब्सक्राइबर्स वेरी सून। आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो ज़रूर 1,000 सब्सक्राइबर्स हम पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। फ़िलहाल हम टेक ऑफ लेते हैं,
Parking brake is already released. Now we are giving throttle, full throttle. अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बता सकता हूँ. इसमें टोगा बटन होता है, होपफुली होना चाहिए यहाँ पर. ये है टोगा बटन, आई थिंक येस. सो मैं इसको आई थिंक प्रेस करने से ही होगा, या इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, दोनों. ऑलराइट, We're ready to roll. Eighty knots, cross checked. Oops, एक aircraft और है आगे. I'm just going to ignore that. aviation, I mean, flight simulation में ऐसा चलता है. That's okay. We are just going to cross him. Wow. V1. Rotate. Positive rate, gear up. परफेक्ट. इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ. सो हमने दोबारा रिजेक्टेड टेक ऑफ इसलिए नहीं किया क्योंकि वो दोबारा ऑफ मोड पे आ जाता. सो देर वॉज नो पॉइंट पुटिंग आर टी ओ अगैन एंड अगैन. कुछ थोड़ा सा ग्लिच है. सो वी आर आउट ऑफ दिल्ली नाउ एंड वी आर टेकिंग यू टर्न. और यहाँ से यू टर्न लेने के बाद हम फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं. सो आई एम क्वाइट हैप्पी. वी आर डूइंग वन मोर इंटरनेशनल फ्लाइट. With a Vistara. Alright. So transition is 7000. So I'm going to maintain 7000. Not more than that. थोड़ा सा hand fly करते हैं. उसके बाद हम ज़रूर autopilot पे कर देंगे. OBDAG से हम एकदम right लेंगे. ये देखिए, हम बादलों में आ रहे हैं. यहाँ से दिखाता हूँ आपको. और आप लोगों को इस तरह से दिख रहा होगा, बहुत ब्यूटीफुल क्लाउड्स हैं इस टाइम पर. यहाँ से हम लेंगे राइट एंड फ्लैप्स करेंगे अप. फ्लैप्स अप, फ्लैप्स 10, उसके बाद फ्लैप्स 5, ताकि हमें स्पीड बढ़ानी है. और हैंड फ्लाई करने का एक अपना ही अलग मज़ा है. और 7500 हम जा चुके हैं. थोड़ा सा हमें नीचे रहना चाहिए बिकॉज वी आर बीइंग टोल्ड टू मेंटेन 7000 फीट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेंटेन 7000 फीट फॉर सम टाइम. और उसके बाद हम जैसे ही डिपार्ट कर जाएंगे, फ्लैप्स अप, इट शुड नॉट गिव. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेवजह बज रहा है. So we're just going to ignore that. We're going to turn on autopilot. Yeah, turn on autopilot. Hold 7000. FLC mode on. And यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेंगे ऑटोमेटिकली, अपने आप टर्न ले लेगा. And
थोड़े से बाहर के नज़ारे देखे जाएं। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं जहाँ पर मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि एम आई फ्लाइंग टू द नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे की फ़्लाइट है उतने घंटे मैं फ़्लाई करता हूँ या नहीं करता, या मैं स्किप कर देता हूँ। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट येस आई डू फ्लाई फॉर द नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे की वो फ़्लाइट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में ऑप्शन है आगे करने का, फ्लाइट आगे करने का। लेकिन अगर आप वैट सिम से कनेक्टेड हैं, वैट सिम में कनेक्टेड हैं, या फिर किसी और नेटवर्क पे कनेक्टेड है जहाँ पर एटीसी आपकी फ़्लाइट ट्रैक कर सकता है, आप एटीसी से कनेक्टेड हैं, तो दोज गाइज डोंट लाइक एट ऑल कि आप फास्ट फॉरवर्ड कर दें अपनी फ़्लाइट को, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड जैसे ही आप करोगे तो होता यह है कि 5-6 हज़ार फीट नीचे और फिर 5-6 हज़ार फीट ऊपर ऐसे बाउंस करते हुए एयरक्राफ्ट जाता है। सो इट इज़ रियली इरिटेटिंग फॉर एटीसी टू चेक ऑन देयर सिस्टम्स कि भाई हर एक सेकंड में आपका एयरक्राफ्ट 5,000 फीट नीचे जा रहा है, उसके बाद 5,000 फीट ऊपर जा रहा है। दैट्स द रीज़न दे डोंट लाइक इट, एंड आई ऑल्सो डोंट लाइक इट अगर मैं ये फ्लाई कर रहा हूँ एयरक्राफ्ट और ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली फॉर मी एज वेल इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपोजर, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विच आई एम गेटिंग। तो मैं उसको स्किप करके अपना एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कभी भी स्किप नहीं करता कोई भी वीडियो, कोई भी फ्लाइट स्किप नहीं करता। हालांकि मुझे वीडियो स्किप करनी पड़ती है क्योंकि 8 घंटे की वीडियो में नहीं डाल पाऊंगा, और इसीलिए मैं कंटिन्यूस चलाता हूँ एयरक्राफ्ट। अभी फ़िलहाल 1:15 बज रहा है इंडिया टाइम, और शाम के इसमें आप 8 घंटे जोड़ लोगे तो करीबन 9-10 बजे रात तक, इंडिया टाइम 9-10 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाने चाहिए। और उसके बाद वहाँ पर तो शाम हो रही होगी, शाम को हम पहुँचेंगे फ्रैंकफर्ट। और नाउ वी आर गोइंग टू क्लाइंब 10,000, और एटीसी अभी तक गायब है, कोई भी नहीं है फ़िलहाल। सो आई हैव माई स्कॉक एंड आई हैव माई क्यूएनएच, तो मैं क्यूएनएच यहाँ अभी स्टैंडर्ड कर दूंगा 10,000 फीट जैसे ही ऊपर जाएंगे। और कुछ एयरक्राफ्ट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, लेट्स सी फ्रॉम द आउटसाइड। ये रहा, ये भागा जा रहा है इस तरफ, ये रहा जो कि आपको यहाँ दिख रहा है होगा। ऑलराइट, ओके, टेक ऑफ चेकलिस्ट इज नाउ कंप्लीट। ओके, पोस्ट टेक ऑफ चेकलिस्ट में ऑटो थ्रॉटल इज आर्म्ड, टैक्सी लाइट्स और रनवे लाइट्स ये सब हम बंद करेंगे 10,000 फीट पर। रूट मैनेजर इज ऑलरेडी एक्टिव, ऑटो पायलट इज ऑन, फ्लैप्स ऑलरेडी रिट्रैक्टेड, सो इट्स जस्ट वी आर गोइंग टू टर्न ऑफ आवर लाइट्स। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, अगर आप ये देखिए अलग अलग लेवल पर हैं बादल, और बादलों के अब ऊपर से जा रहे हैं। जैसा कि एटीआईएस में था, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ था ब्रोकन क्लाउड्स एट 10,000 फीट,
स्कैटर्ड क्लाउड्स, ये स्कैटर्ड क्लाउड्स छोटे छोटे आपको पीसेस दिख रहे हैं, दिस इज स्कैटर्ड क्लाउड्स, 3000 फीट पे हैं ये, ब्रोकन क्लाउड्स 10000 फीट पे हैं। तो ये हम 10000 फीट पे आ गए हैं और ये हमको ब्रोकन क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये 10000 फीट आप देख रहे होंगे। एयरक्राफ्ट बहुत हिल रहा है इस टाइम पर, ये देखिए ड्यू टू एयर। और अगर मैं वेदर रिपोर्ट करूं यहाँ पर तो होपफुली आपको दिख जाना चाहिए, यहाँ पर काफ़ी बादल हैं और 10,000 फीट हम आ गए हैं। लैंडिंग लाइट्स करते हैं ऑफ, रनवे टर्न लाइट्स ऑफ, टैक्सी लाइट्स ऑफ, ऑलराइट, नेविगेशन एंड बीकन ऑन है, स्ट्रोब लाइट ऑन कर ली थी हमने जैसे ये रनवे पे हम चढ़े थे। ये देखिए ब्रोकन क्लाउड्स है 10,000 फीट, तो अभी हम फिलहाल 10,000 फीट पे हैं, ब्रोकन क्लाउड्स है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 42,000 फीट बिकॉज वी आर गोइंग वेस्ट, इवन नंबर वी आर गोइंग वेस्ट 42। ऑलराइट एंगेज्ड, सो पोस्ट टेक ऑफ चेकलिस्ट में हमारा ऑटो थ्रॉटल, फ्लैप्स, टैक्सी, लैंडिंग लाइट्स, ऑटो पायलट, रूट मैनेजर, ये सब डन है। पोस्ट टेक ऑफ चेकलिस्ट इज नाउ कंप्लीट। क्लाइंब आउट चेकलिस्ट में इंजन इंस्ट्रूमेंट्स, इंजन इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर लेते हैं, बढ़िया चल रहे हैं दोनों इंजन्स। और उसके बाद हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर ऑल्सो चेक्ड। क्लाइंब आउट चेकलिस्ट कर लेते हैं, क्लाइंब आउट चेकलिस्ट इज बिटवीन 10,000 फीट टू फ्लाइट लेवल 180। मैक्स क्लाइंब रेट स्पीड हैज़ टू बी 2500 फीट पर मिनट, मैक्सिमम 2500, ठीक है 1700-1800 पे चल रहा है ये मामला। ऑटो ब्रेक सेट टू ऑफ, ऑटो ब्रेक सेट कर दिए ऑफ पे। एंटी आइस मैं तो ऑटो पे कर देता हूँ, अभी थोड़े से बादल हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं है बट स्टिल जब तक बादल हैं जब तक हम एंटी आइस को ऑटो रखेंगे। प्रेशराइजेशन इज चेक, इंजन स्टार्टर्स ऑफ हो जाते हैं इसमें ऑटोमेटिकली। APU मास्टर नॉब इज ऑल्सो ऑफ, APU मास्टर नॉब इज ऑफ। ऑल्टीमीटर सेट टू 2992, ओके ऑल्टीमीटर सेट स्टैंडर्ड। सीट बेल्ट साइन ऑफ कर देता हूँ। नाउ आवर केटरिंग सर्विसेज कैन स्टार्ट। बादलों से हम ऊपर आ गए हैं यहाँ पर और बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। और इसी के साथ साथ इफ आई विल शो यू नाउ दैट कंट्रोलर इज नो मोर हेयर, इसी के साथ मैं आपको बताऊं जो मेरी जो फ्लाइट है, लेट मी क्लिक फॉर दिस, ओके UK 25, ये पता नहीं किसका आ रहा है, ओके दिस इज़ माई फ्लाइट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू फ्रैंकफर्ट, यहाँ से हम चले थे। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, ये आपको मेरे एयरक्राफ्ट की पोजीशन दिख रही होगी। यहाँ तक हम 10,000 फीट तक थे, टेक ऑफ किया था हमने यहाँ से और ये अब हम क्लाइंब कर रहे हैं। तो जैसे ही क्लाइंब कर रहे हैं तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है और हमारी जो एक्टिव फ्लाइट है यहाँ पर आपको दिख रही है 753 जुलू टाइम, यहाँ से बढ़ते 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 अब हम जा रहे हैं 18,000 फीट तक, ये हमारा स्टैट्स कह रहा है। यहाँ पर ग्राउंड ऑल्टीट्यूड है 18,600 लिखा हुआ है, ग्राउंड स्पीड 364 नॉट्स, हेडिंग टुवर्ड्स 294 डिग्रीज, टाइम रिमेनिंग 8 आवर्स 56 मिनट्स, 9 घंटे की फ्लाइट दिखा रहा है बॉस ये फिलहाल, बट डोंट वरी आई विल कवर दिस इन 8 आवर्स 10 मिनट्स। मैं इसी वजह से मैंने 42,000 फीट सेलेक्ट किया है
ताकि हम जल्दी से जल्दी कवर कर लें अपना जो रूट है। और जो रूटिंग मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ वो पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर है। आरके ये है सदीकाबाद, उसके बाद सुकूर, उसके बाद सुकूर के बाद ग्वाडर, ग्वाडर के बाद मस्कट, मस्कट से थोड़ा सा राइट, उसके बाद दुबई, दुबई के ऊपर से फिर कतर, कतर के बाद रियाद, रियाद के बाद येन, येनबू, येनबू के बाद उसके बाद ये ग्रीस आ गया मेरे ख्याल, हाँ ग्रीस आ गया, ग्रीस के बाद बॉस्निया, बॉस्निया के बाद क्रोएशिया के ऊपर, फिर स्लोवेनिया, फिर ऑस्ट्रिया, उसके बाद ये म्यूनिक है, और यहाँ जाएंगे हम फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में मैं कोशिश करूँगा कि रनवे 07 सेंटर मिले, 07 सेंटर, मैंने 07 सेंटर ही फाइल किया हुआ है, ये 07 राइट है, ये 07 लेफ्ट है। 07 सेंटर से लैंड करने का ऑप्शन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि व्यू बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ से, पूरे एयरपोर्ट का व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, और यहाँ पर काफ़ी रिहायशी इलाका है यहाँ पर, ये रिहायशी इलाके में हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे घर दिखाने के। ऑलराइट, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सो अभी फ़िलहाल अगर मैं ज़ूम आउट करता हूँ और इसको ऐसे करता हूँ तो ATC अभी श्रीलंका है, मालदीव्स है, और बाकी हमारे रास्ते में फ़िलहाल कोई नहीं है। जैसे ही कोई होगा आई एम गोइंग टू शो यू कपल ऑफ क्लिप्स। 24,000 फीट पे हम आ गए हैं, और इसके साथ ही साथ मैं आपको नेविग्राफ चार्ट्स ज़रूर दिखाना चाहूँगा। नेविग्राफ चार्ट्स में जो हमारी पोजीशन है एयरक्राफ्ट की वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे ख्याल सुरम 5C डिपार्चर से हम बाहर होने ही वाले हैं। ये देखिए सुरम 5C डिपार्चर, यहाँ से हमने टेक ऑफ किया था, यू टर्न लेके इस तरफ गए थे, अब यहाँ से हम ले रहे हैं लेफ्ट। अब हम इस चार्ट के बाहर हो जाएंगे, इस चार्ट के बाहर हो जाएंगे हम, और इसको हम कर देंगे बंद, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। ये देखिए यहाँ से हम G333 पर जा रहे हैं, ये वाला पाथ हम चूज़ करके सुरम से हमने ले लिया हल्का सा लेफ्ट, और इस पर हम जा रहे हैं। फ्लाइट लेवल 210 लिखा है, बट दैट्स ओके, आई एम गोइंग टू क्लाइम इन 42, सो कैन इग्नोर दिस। VIDP से EGFF विस्तारा 25, 4,380 नॉटिकल माइल्स है डिस्टेंस, और बहुत सारे वे पॉइंट्स मैंने फीड किए एज पर माई फ्लाइट प्लान। ये देखिए ये सिम ब्रीफ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है, जब भी आप फ्लाई करें डेफिनेटली आई रिकमेंड सिम ब्रीफ, बिकॉज आई ऑलवेज यूज़ नेविग्राफ चार्ट्स, सो नेविग्राफ चार्ट्स ने सिम ब्रीफ को ख़रीद लिया है, सो नाउ इट इज़ मैनेज बाय नेविग्राफ चार्ट्स, सो आई हैव नेविग्राफ चार्ट सब्सक्रिप्शन एज वेल। ये हमारी रूटिंग है, ये बहुत लंबी रूटिंग मैंने डाली है, और मेरे पसीने छूट गए इसको अपलोड करते करते। एनीवेज आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू एंजॉय योर मील्स एंड योर ड्रिंक्स। आई विल सी यू गाइस इन कपल ऑफ आवर्स जब हम कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे यहाँ पर। आई एम गोना कम बैक। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, ये आप देख रहे हैं पैटिक्स, यहाँ पर हम पहुँचेंगे इस वे पॉइंट पर, और इस वे पॉइंट पर पहुँचने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे स्पेसा। स्पेसा में फ्लाइट लेवल 11
11,000 लिखा हुआ है, फ्लाइट लेवल 110, सो 11,000 फीट तक जाएंगे. उसके बाद हम टर्न लेंगे लेफ़्ट. लेफ़्ट टर्न लेने के बाद ये अगर आपको दिख रहा हूँ यहाँ पर चार रनवेज दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4. तो ये वाले जो रनवे है, इस तरफ वाला जो रनवे, यहाँ पर हम लैंड करेंगे इधर से. तो हम इधर से जाएंगे. कोशिश करूँगा मैं इतना बड़ा जो स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल रूट है ये ना लेके यहाँ डायरेक्ट इस तरफ लूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है ATC अवेलेबल है या नहीं वहाँ पर. ऑलराइट, अब हम देखते हैं हमारा अराइवल कैसा होना चाहिए. ये आप फ्रैंकफर्ट का BOR टावर देख रहे हैं, 114.2 FFM. ये BOR टावर है और ये चार रनवेज दिए हुए हैं यहाँ पर. हम इस तरफ से आएंगे D14.0 RIT, यहाँ से आएंगे और लेंगे राइट. राइट लेने के बाद हम ये ग्लाइड स्लोप है, ये ग्लाइड स्लोप कैप्चर करेंगे लोम्पो पे, LOMPO, लोम्पो दिया हुआ है. यहाँ पर हम, यहाँ से हम डिसेंड करना शुरू करेंगे. ये आपको लोम्पो दिख रहा है. यहाँ से हम, यहाँ पर हमको 4000 फीट तक रहना है, और यहाँ हमको 4000 फीट तक रहना है, और 67 डिग्रीज हमारा जो हेडिंग होगी वो 67 डिग्रीज पे होगी. और D8 तक आते आते हमें 2870 तक आना है, और ये परफेक्ट ग्लाइड स्लोप कैप्चर करना है. ये हमारा रनवे दिया हुआ है यहाँ पर, इस रनवे पर हमें उतरना है. ऑलराइट, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि ATIS, उसके बाद रडर टावर, फ्रैंकफर्ट अप्रोच, उसके बाद टावर एंड देन ग्राउंड. ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वहाँ पर, वहाँ की. और ये रनवे 07 चार्ली और ILS अप्रोच के लिए दिया हुआ है. फाइनल हमारा कोर्स रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, 67 डिग्रीज पे, और 4000 फीट पर हमें रहना है. CAT-3B, CAT-3A ILS है, CAT-2 एंड CAT-1 ILS भी है. मिस्ड अप्रोच में यहाँ लिखा हुआ है क्लाइम स्ट्रेट अहेड वाया FRCTR फ्लाइट कंट्रोल टावर. यहाँ पर FRD, यहाँ पर लिखा है D10 FRD. अगर मिस्ड अप्रोच होती है तो हमें यहाँ से डायरेक्ट जाना है D10 तक. उसके बाद हम लेंगे टर्न लेफ्ट, एंड देन लिखा हुआ है D7 FRM और 5000 फीट विच एवर इज लेटर, देन टर्न लेफ्ट टू TAU VOR एंड मेंटेन 5000. तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे. लेफ्ट लेने के बाद ये आपको TAU दिख रहा है, VOR टावर, TAU 113.35. यहाँ तक जाना है और यहाँ पर चक्कर लगाना है 5000 फीट पर. ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. यहाँ पर थोड़े से पहाड़ हैं यहाँ पर हल्के से, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसकी हाइट भी दी हुई है 3245. यहाँ पर एक टावर है, ये इलेक्ट्रिसिटी टावर लग रहा है यहाँ पर. और उसके बाद प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर की जो लाइट्स जो हमें दिखेंगी, पापी लाइट्स, वो इस तरह की दिखेंगी. और ये एयरक्राफ्ट, ये जो रनवे है, ये केपेबल है CAT-1, CAT-2, CAT-3A, CAT-3B 75 meters. ऑलराइट, इसके साथ ही साथ नथिंग एल्स टू डिस्कस. लेट्स जंप इनटू आवर कॉकपिट नाउ. हेलो कंट्रोल, दिस इज विस्तारा 25 हेडिंग टुवर्ड्स फ्रैंकफर्ट, फ्लाइट लेवल 420. Aircraft calling Constantinople. Sorry, please repeat. Vistara 25. Yeah, what's the call sign? I didn't hear it properly. It's Vistara 25. Vistara 25?
Athens Red Ice Clock 7263 and Mount Charlie. 7263 Vistara 25. 264 Bravo, clear Copa 1 Mike Reliable Descent according to profile QNH 1009. Copa 1 Mike Reliable for 64 Bravo, continue on the profile. QNH 1009 is 64 Bravo. QNX 3 Alpha Romeo Mantra Unicom, good day. Unicom, bye bye. So, we have got the transponder. Sky Travel 4 Tarmac Engine, seven, and it's closing shortly. Mantra Unicom, good day. Sky Travel 4 Tarmac, yep. Harbug 4220 Mantra Unicom, good day. Alright. We are right now above. Harbug 4230 Mantra Unicom, good day. Greece? ग्रीस के ऊपर से जा रहे हैं अभी फिलहाल। यूनिकॉर्म, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे, विद मी 530. Three cleared Rapax 1 Charlie arrival, expect vectors ILS Zulu approach runway 02 right. That question, vectors for ILS Zulu runway 03 left. Good, Rapax 1 Charlie, ILS Zulu runway 03 left and expect vectors. Oscar, Oscar Montreal. Lufthansa 82 Yankee, wind 0501 final, so 03 left, clear for takeoff. 03 left, clear for takeoff, Lufthansa 82 Yankee. Agent 716, Squawk 7254. Squawk 7254, agenda 716. Sky Chopper 104 identified. ऑलराइट यहाँ से हम टर्न ले रहे हैं पेटिक से और स्पीड मैंने सेट कर ली है 250 नॉट्स और फिलहाल हम कैबिन प्रिपेयर करते हैं प्लस यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम अभी फ़िलहाल देख लेते हैं लोकल टाइम जर्मनी उसके साथ ही साथ अभी इंडिया एज़ पर इंडिया टाइम सवा दस हो रहे हैं 10:15 ऑलराइट As per the current situations for Mitar, QNH is 1007 or 3003. So, yahan set kar lenge hum 3003. Ye 3003 set kar liye yahan par. Aur yahan par bhi hume set karna hai 3003 ya fir 1017. Okay, this is set. Auto brake set to 2. Alright, ladies and gentlemen, this is your captain from the flight deck. We are crossing around 18,500 feet and we will be reaching in Frankfurt in next 25 minutes and standard arrival time will be around 18:45. I hope you all enjoyed your journey. I wish you a pleasant stay in Frankfurt, Germany. I wish you all the best and thanks for flying Vistara. Or as per this, our barrow has to be set as 529 hum set kar lete yahan par. नहीं हो रहा है यहाँ पर या तो 550 है या फिर 500 है सो आई एम गोइंग टू सेट 550 हमने सेट कर लिया ऑलराइट
We are passing 10,000 now. Landing lights on. Taxi lights on. Alright, सारी लाइटें ऑन होनी हो जानी चाहिए. और जैसा कि हमें क्लाइट स्लोप कैप्चर करना है 4,000 फीट पर, सो वी आर अराइविंग वेरी शॉर्टली टू 4,000 फीट. काम करते हैं, स्पीड ब्रेक लगाते हैं क्योंकि हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं आगे, और इसको भी थोड़ा सा करते हैं कम. 1500 फीट पर मिनट इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ. और अप्रोच VOR टावर्स हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं. फाइनल कोर्स हमारा है 67 डिग्रीज़ का, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है. 67 यहाँ दिया हुआ है. हम अपनी फाइनल हेडिंग भी 67 सेट करेंगे जस्ट इन केस ऑफ अ मिस्ड अप्रोच. और मिस्ड अप्रोच के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है. सो आप देख सकते हैं खूबसूरत वादियाँ यहाँ पर. दिस इज़ जर्मनी, दिस इज़ ब्यूटीफुल जर्मनी. ग्रीनरी है काफ़ी. विंड मिल आपको दिख रही होंगी यहाँ पर चलती हुई. विंड मिल, दिस इज़ रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ये देखिए विंड मिल चलती हुई दिख रही है यहाँ पर. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. डिसेंट चेकलिस्ट में सीट बेल्ट साइन ऑन, एंटीआईस की ज़रूरत नहीं है. नेविगेशन डिस्प्लेस आर चेक्ड, टीकेएस इंस्ट्रूमेंट्स चेक्ड, मेटार एंड एटीआईएस, यस मेटार एंड एटीआईएस इज़ आल्सो चेक्ड. मेटार में मैं आपको बता देता हूँ 270 डिग्री से 6 नॉट्स की हवा आ रही है और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है. 10 किलोमीटर्स जो कि आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, 10 किलोमीटर की विजिबिलिटी है. और टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस. Clear skies, dew point is 11 degrees Celsius. Perfect. चलते हैं अपने केबिन में. Alright, we are at 4,000 feet. Need to reduce my speed now to 180 or 200 something. 200, let's set to 200. Alright, now here it is written up and 1 degree. So yahan jaise pass karenge hum flaps 1 kar lenge. Alright, aur speed hum aur slow karna chahenge. Set this to 180 और हमारी जो क्रॉस चेक्ड 2500 क्रॉस चेक्ड, हमारा जो लैंडिंग स्पीड रहेगी वो रहेगी लगभग अराउंड 170 नॉट्स. फ्लैप्स 20 पर हम लैंड करेंगे. लॉक मोड ऑन करता हूँ मैं यहाँ पर. लॉक मोड इज ऑन. Alright, and कुछ देर में localizer active हो जाएगा यहाँ पर. Automatically आ जाएगा यहाँ पर vertical और horizontal stabilizers.
Alright, flaps 1 and flaps 5. Flaps 10. खूबसूरत शहर दिखने लगे हैं अब. फ्लैप्स 15 कर लिया हमने. यह लिखा है फ्लैप्स 15 एंड फ्लैप्स 17. वी कैन डू फ्लैप 17 एज वेल. Flap 17. यहाँ लिखा हुआ है अगेन flap 17 एंड flaps 18. सो दिस स्पीड इज फेयर इनफ फॉर flap 17 एज वेल एज flaps 18. सो दैट्स ओके. हम हेडिंग सेलेक्ट कर रहे थे, बीच में रह गए. डिसेंट चेकलिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है. अप्रोच चेकलिस्ट में लैंडिंग लाइट्स ऑन हो चुकी हैं. लैंडिंग लाइट्स ऑन, ऑल्टीमीटर सेट, नेविगेशन रेडियोज आर ट्यून्ड, अप्रोच एंड लोकलाइजर इज एक्टिव, इंजन इंस्ट्रूमेंट्स चेक्ड, एंड देन फ्लैप्स एंड देन गियर डाउन. सो विल डू दैट. फ्लैप्स करते हैं फिलहाल 18, बिकॉज हम जैसे ही टर्न लेंगे राइट हमारे पास समय नहीं होगा. सो वी हैव टू बी वेरी एक्टिव व्हेन इट इज अप्रोचिंग. Speed reduced to 170. Actually, I'm doing 165. The reason is, जब हम descend करेंगे, flaps 20 कर लेते हैं यहाँ पर, flaps 20. जब हम descend करेंगे, तो ये speed थोड़ी सी बढ़ जाएगी. So if I set 167 something, this is gonna be 170 and 171. As a landing speed. ये देखिए ये दोनों मजेंटा डायमंड्स यहाँ आ चुके हैं. यहाँ जैसे ही टर्न लेंगे हम ये एक्टिव हो जाएंगे. जैसे एक्टिव होंगे हम अप्रोच मोड ऑन कर लेंगे यहाँ पर और होपफुली थिंग्स विल बी सॉर्टेड. हेड्स अप डिस्प्ले मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, को पायलट का कर देते हैं.
या आपको फ्रैंकफर्ट मेन 13.36 नॉटिकल माइल्स ये आपको दिख रहा है, यहाँ से हम टर्न लेंगे राइट एंड वी गोइंग टू लैंड एट रनवे 07 चार्ली और 07 सेंटर। काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर, सो होपफुली वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड टाइम हियर। Alright, we are taking right. I need to concentrate. Landing gear down now. Landing gear karte hain down. Alright, approach mode is on. Approach checklist is now complete. Landing checklist, auto throttle and autopilot is will going to be disconnect. Auto throttle 500 above ground. Autopilot 300 above ground. Landing checklist complete. Cabin crew prepare for landing. Thank you. Checked. Cross checked. I'm
Happy to disconnect autopilot, auto throttle now. Auto throttle is disconnected or disengaged. सामने से भी एयरक्राफ्ट आ रहा है एक क्रॉस चेक्ड 500 क्रॉस चेक्ड ऑटो पायलट इज डिसकनेक्टेड नाउ चेक्ड Thrust reversers. Reversers green. ये करना रह गया था, unfortunately. All right. Reversers off. But any which ways, we have landed successfully. I welcome you all to Frankfurt, Germany, and thoda sa throttle denge yahan par. We are going to exit from here, and just going to connect ground to tell the gates. Taxi to C14, gate C14 via taxiway L9, N5 and N. Okay. Okay. All right. यहाँ से left लेते हैं and मैं आपको दिखाता हूँ Frankfurt. एयरपोर्ट इट्स अ वंडरफुल एयरपोर्ट हैंडक्राफ्टेड एयरपोर्ट है ये माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में और असोबो टीम के साथ और आइट काफ़ी लंबा सफ़र था ये बहुत मज़ा आया बहुत कुछ हमने देखा बहुत कुछ हमने सीखा और यहाँ से एग्ज़िट करते साथ ही हम स्ट्रोब लाइट ऑफ कर देंगे लैंडिंग लाइट्स ऑफ कर देंगे और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये शाम के 7:15 बज रहे हैं इंडिया टाइम 10:45 सो दिस वाज एन अमेजिंग जर्नी ऑल टुगेदर अब मैं अपनी पार्किंग ढूंढता हूँ और यहाँ एयरक्राफ्ट पार्क करूंगा कैसी लगी आपको ये जर्नी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यहाँ पर मैं इसको ब्रेक लगाता हूँ पार्किंग ब्रेक 2 मिनट के लिए लगाते हैं यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पर फ्रैंकफर्ट के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है ये और इस तरफ भी है टोटल 4 रनवेज हैं 3 पैरेलल हैं और 1 सेपरेट है How did you like this video? ये देखिए एयरक्राफ्ट कैसे जा रहा है वेल वेरी स्ट्रेंज हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो
please comment on the comment section below. And if you haven't subscribed to my channel, you can please subscribe it now and hit the bell icon so that you would be able to get upcoming notifications. आपको upcoming notifications आएंगे ज़रूर. International travel or national travel both are included in my all videos. You can check out my channel and hit the bell icon so that it would be better for you to get more notifications. Alright guys, thank you very much for watching this video. I will see you guys in the next one. Later.